सैमसंग का टीवी चाहिए तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ सैमसंग का 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट टीवी के बारे में। हां दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्राइसिंग सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। तो बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये अभी अभी बहुत ही फ्रेश सैमसंग का 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट टीवी लॉन्च हो चुका है, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है, बेजललेस डिजाइन के साथ आता है। हालांकि दोस्तों अभी सभी टीवी में बेजललेस डिजाइन देता है, लेकिन दोस्तों इसका बेजल्स एक्चुअल में बहुत ही थिन है। रिजोल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एचडी रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ 50Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एचडीआर कंटेंट दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, उसका सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, माइक्रो डिमिंग दिया गया है, कंट्रास्ट एनहांस भी दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा फीचर वगैरह, तो थोड़ा बहुत आपका विजुअल एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा इस टीवी में। और उसके अलावा यहां पे आपको गेम मोड मिल जाता है, फिल्म मोड मिल जाता है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ यहां पे आप बाकी सारे ओटीटी एप्स भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। रिमोट में भी दोस्तों आपको सेपरेट हॉटकीज मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ऑडियो के बारे में बात करें तो आपको यहां पे एक डिसेंट 20W का ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाएगा टू स्पीकर्स के मदद से, जहां पे आपको डल्बी डिजिटल प्लस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहां पे एंड्रॉइड होने नहीं वाला है दोस्तों, सैमसंग का स्मार्ट टीवी है तो यहां पे आपको टाइजन ओएस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 2 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट देखने को मिलेगा, बाकी सारे छोटे मोटे नेसेसरी चीज भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे रिमोट में आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, इस रेंज के सभी टीवी में नहीं मिलता है दोस्तों, कुछ कुछ टीवी में मिलता है, तो ये होता तो और एक अच्छी बात हो जाता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों अच्छा टीवी है, सैमसंग का टीवी है, और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 13,490 रुपीज। तो दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस है, क्योंकि ये सैमसंग का टीवी है तो दोस्तों आपको ब्रांड चाहिए तो प्राइस थोड़ा एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सैमसंग सोनी एलजी का प्राइस जितना हाई था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों 1,500 का डिफरेंस मुझे लगता है इस टीवी का कीमत। अगर सैमसंग नहीं होता तो मेरे हिसाब से 11,000 या 10,000 होना चाहिए था, तो ये 13,490 है मेरे हिसाब से, ठीक है थोड़ा ओवर प्राइस है दोस्तों, लेकिन चलेगा, सैमसंग ही चाहिए ना आपको। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज कीजिए और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। सो दोस्तों मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।